Assalamualaikum viewers, welcome to latest studio, हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। viewers, इस साल का सबसे बड़ा ड्रामा यानी जेंटलमैन का फर्स्ट एपिसोड तो आप लोग देख ही चुके होंगे, जो कि रिलीज कर दिया गया है और उसे बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बहरहाल अगर बात करें इस एपिसोड के रिव्यूज की, तो तमाम साइट्स और जराए एक से बढ़कर एक रिव्यूज दे रहे हैं और वर्ल्ड वाइड इस ड्रामा को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ बात करते हैं फर्स्ट एपिसोड की, जहाँ हमें दो कैरेक्टर्स ओपनिंग में यानी मुन्ना और उसका भाई देखने को मिल, जहाँ मुन्ना को हल्फ लेते हुए दिखाया गया। इस सीन में कॉमेडी टाइमिंग्स और एक्टिंग काबिले दाद, जबकि वहीं अगले सीन में हमें दिलपर की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि एक लड़की यानी शगुफ्ता से मिलने उसकी शादी पर पहुंच जाता है, जबकि वहाँ दिलपर पिटता है और मुन्ना उसकी मोहब्बत को बाइज्जत रुखसत कर देते हैं। वहीं यमुना जैदी के कैरेक्टर जरनाब का इंट्रो और उसके बाद दोनों के इंटरेक्शन का सीन, जहाँ मुन्ना की लड़ाई की वजह से रोड ब्लॉक हो चुका है और ट्रैफिक जाम लगी है, जबकि नाब वहीं पे रिक्शा से उतर कर मुन्ना की अच्छी खासी धुलाई कर देते। घर जाने पर वो ये सब अपने फादर यानी मास्टर साहब को बताती है और वो हैरान होकर रह जाते, जबकि वहीं इस एपिसोड में हमें फारिस अहमद यानी जाहिद के कैरेक्टर की एंट्री भी दिखा दी गई है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है और साथ में जरनाब का मंगेतर भी। जबकि एज यूजुअल खलीलुर रहमान कमर के ड्रामास की तरह, इस ड्रामा के एपिसोड में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है और उनके सीन है, वो तो इस ड्रामा की जान, जिन्हें एज यूजुअल बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया गया है कि वो कहीं से फालतू सीन्स नहीं लग रहे और ड्रामा की कंटिन्यूटी को जारी रखने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड में ही हमें स्टोरी बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर एक तरफ मुन्ना की लव स्टोरी स्टार्ट कर दी गई है, तो वहीं दूसरी जानब उसके कैरेक्टर को बड़ा दिखाने के लिए मुअज्जम भाई से उसकी दुश्मनी की कहानियां भी स्टार्ट कर दी गई है, जहाँ मुन्ना के बंदे को पीटने के जुर्म में दिलबर मुअज्जम भाई, जो की एक बड़ा डॉन है, उसे उठा लेते हैं और सारी रात उसे पीटते हैं, जबकि सुबह जरनाब के पता करने के लिए उसे छोड़ देते हैं, यानी दुश्मनी का सीन भी स्टार्ट कर दिया गया है। और अगर अगले एपिसोड्स में प्रिडिक्ट किया जाए, तो यही चीज आगे जाकर मुन्ना को महंगी पड़ने वाली है, यानी मौसम भाई अपनी दुश्मनी के लिए मुन्ना की कमजोरी यानी जरनाब को इस्तेमाल करें। जबकि अगर बात की जाए दिलबर की, तो ये भी मुन्ना भाई के साथ गेम खेल रहा है, जो कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बहरहाल आगे की प्रिडिक्शन यही है कि अगले एपिसोड्स में मौसम भाई मुन्ना की दुश्मनी में जरनाब को किडनैप करवाएंगे, जिससे मुन्ना अपना हल्फ तोड़कर जुर्म की राह पर आएगा और जरनाब को बचा लेगा, और वहीं से इनकी लव स्टोरी का स्टार्ट होने वाला है। इनकी लव स्टोरी का मेन विलन होने वाला है असिस्टेंट कमिश्नर यानी फारिस अहमद, जबकि मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले एपिसोड में ही मिफ्रा यानी सुहाय के कैरेक्टर की एंट्री भी होगी, जो कि एक जानदार कैरेक्टर होने वाला है। जबकि अगर बात की जाए ड्रामा की डायरेक्शन, डायलॉग्स और स्टोरी की, तो हर चीज अपनी जगह बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है और हर कोई अपने कैरेक्टर को जमकर निभाता हुआ दिख रहा है, जैसे की स्टार्टिंग सीन्स में हुमायूं सईद, जबकि जर्नलिस्ट सीन्स में यमुना जैदी। तो दोस्तों, ओवरऑल इस ड्रामा का प्लॉट, स्टोरी और डायलॉग्स के साथ साथ एक चीज जो कि सिनेमेटोग्राफी है, इस ड्रामा को सिनेमा लेवल स्टफ बना रही है। जबकि इसके फर्स्ट एपिसोड के बाद ये तो कहा जा सकता है कि ये साल का सबसे बड़ा ड्रामा होने वाला है।